बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। बच्चों, आज हम यूनिट सेकंड का लेसन लेसन का नाम मोबाइल फोन पहला लेसन है, ये पढ़ेंगे। आप अपनी किताब पेज नंबर 45 पर निकाल के रखिए। मोबाइल फोन, देखिए बच्चों, आपको पता है कि ग्राहम बेल ने 1875 ईस्वी में टेलीफोन ईजाद किया। आपको पता है कि शुरू में ये मोबाइल इतना छोटा नहीं था, ये जो फोन बनाया गया इतना छोटा नहीं था। आज हम इसको अच्छी तरह से आराम से जेब में रखकर जहां भी जा सकते हैं, जहां भी जाते हैं तो अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। इसीलिए इसे मोबाइल फोन कहा जाता है, यानी इसको हम अपने साथ आराम से ले सकते हैं। तो पहले स्टार्ट में ये इतना छोटा नहीं था और ये एक ही जगह पे रखना पड़ता था और वहीं बात करनी पड़ती थी। तो इसलिए आज जो है इसकी फंक्शन भी फिर बढ़ गई। सिर्फ आज ये फोन ही नहीं रहा बल्कि हम इस पर इसे बहुत काम लिए जाते हैं। इस पर हम मैसेज, तहरीरी पैगाम भेज सकते हैं, छोटा मोटा हिसाब कर सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं, रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं और टीवी के प्रोग्राम हम देख सकते हैं। तो इस तरह ये बड़े अब बड़े काम की चीज है। लेकिन एक बात है, तहम इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतना है, जो है वो लाजिमी है। तो आप अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 47 पे हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हाँ, शुरू में कालम अलिफ और कालम बे। कालम अलिफ में टेलीविजन, यहां पे इसका कालम बे में बिजली लिखे है, यानी टेलीविजन जो है बिजली से चलता। तो इसके बाद मोबाइल फोन, इसके लिए क्या जरूरी है? किताब, बैटरी, पानी, इनमें से कौन सा सही है? हाँ, बैटरी, शाबाश। अब आप नजर रखिए, एक जमाना था कि दूर किसी शख्स को कोई पैगाम भेजना होता था तो खत ही एक जरिया था। यानी पुराने जमाने में जब किसी दोस्त को कोई हमें कुछ पूछना होता था तो इसको हम खत लिखते थे। ये खत किसी कासिद के जरिए भेजा जाता था। कासिद यानी पैगाम लाने या लेने वाला, किसी शख्स के हाथ में दिया जाता था। फिर डाक का निजाम वजूद आया, डाक खाने में खत जमा किया और डाक के कारंदों ने, यानी काम करने वाले जो वहां पर थे, इसे दिए गए पते पर पहुंचा दिया। यानी वही उसको वहां पर ले जाते थे जिसके नाम पे ये चिट्ठी होती थी। इसके बाद गाड़ियों, रेलों और जहाजों की मदद से खत पहुंचाने में जल्दी हुई। इसी दौरान ग्राहम बेल ने 1875 ईस्वी में टेलीफोन ईजाद किया। इसमें आगे जाकर बेहतरी आती गई। फिर क्या था, तारों का जाल बिछ गया। जबानी पैगाम के लिए नकासिद की जरूरत रही और नहीं खत, यानी इंसान जो आप पहले किसी के हाथ में भेजते थे फिर इसकी जरूरत नहीं रही। और खत वाहिद जरिया ये भी नहीं रहा, दूर के किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ घर बैठे ही फोन पर बात हुई। बात भी एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से, ऐसे कि जैसे दोनों आमने सामने हों मगर एक दूसरे को दिखाई न देते हों। शुरू में इस फोन में एक ही चोंगा था होता था, यानी जिस तरह आपने लैंडलाइन देखा था होगा, तो इसमें वो नली होती थी एक, जो हम मुंह के साथ बात करते वक्त से मुंह के साथ लगाते और बात सुनने के लिए कान के साथ। फिर दो चंगों वाला फोन आया, एक बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। इसके बाद कार्ड के बगैर, कार्ड तार ने तार के बगैर, यानी कार्डलेस फोन आ गया। यानी अब फोन के पास बैठने की जरूरत नहीं रही बल्कि घर आंगन या चंद मीटर के दायरे में आदमी चलते चलते भी बात कर सकता था। टेलीफोन की दुनिया में इसके बाद की कहानी मोबाइल फोन की कहानी है। अब जहां कहीं देखेंगे ना कोई कान के साथ मोबाइल फोन लगाते हुए बात करते हुए नजर आता है। यह छोटा सा बरकी आला जिसे आदमी छोटी मोटी चीजों की तरह जेब में रखकर जहां चाहे ले जा सकता है, जहां से चाहे इसके जरिए से बात कर सकता है। इसीलिए इसे मोबाइल फोन कहा जाता है। ये सेल फोन या हैंड फोन भी कहलाता है। मोबाइल फोन शुरू में इतना छोटा नहीं था जितना आज का हुआ करता है। मोटोरोला कंपनी के मार्टिन कोपर ने पहली बार
जिस फोन की नुमाइश की, यानी जिस फोन को उसने दिखाया, उसका वजन 2 किलोग्राम था। यानी शुरू में कितना वजन था? 2 किलोग्राम। उसने बेल कंपनी के डायरेक्टर जॉयल इंजल को 3 अप्रैल 1973 ईस्वी को इस पर पहला फोन किया। फिर क्या है कि 1979 ईस्वी में जापान में पहला नेटवर्क निजाम चालू हो गया, जो 5 साल के अंदर अंदर पूरे मुल्क में फैल गया। इसके बाद चंद ही बरसों में इस सहूलियत का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। अब तो दुनिया के कोने कोने में आदमी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। वो जब और जहां चाहे इसके जरिए दूसरों के साथ बात कर सकता है। यानी इस छोटे से बरकी आले में गोया पूरी दुनिया बस आबसी है। मोबाइल फोन के लिए एक छोटा सा चिप दरकार होता है, ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम कार्ड कहलाता है। फोन की दुनिया में पहला सिम कार्ड 1991 ईस्वी में आया। कब आया पहला सिम कार्ड? 1991 ईस्वी में। इससे पहले मोबाइल फोन सिम कार्ड के बगैर ही होते थे और इसका काम भी मोबाइल फोन ही करता था। छोटी सी डाक टिकट के साइज के इस सिम कार्ड से फायदा यह हुआ कि इसे फोन से निकालकर दूसरे फोन में लगाया जा सकता है, वरना अगर फोन किसी वजह से खराब हो जाता तो सारा रिकॉर्ड जाया होता था। यानी कि सिम कार्ड में ये सेव रहता है। मोबाइल फोन अब सिर्फ फोन ही नहीं रहा, यहां आप नजर रखिए इस पैराग्राफ में, सिर्फ मोबाइल फोन अब सिर्फ फोन ही नहीं रहा बल्कि इससे बहुत सारे काम ले जाते हैं। इस पर हम तहरीरी पैगाम भी भेज सकते हैं, नींद से जागने या कोई बात याद दिलाने के लिए अलार्म रख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, छोटा मोटा हिसाब कर सकते हैं, फोटो या फिल्म खींच सकते हैं, रेडियो और टीवी के प्रोग्राम सुन और देख सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह के खेल भी खेल सकते हैं। 1998 ईस्वी में इसको कारोबार के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, जब फिनलैंड में पहली बार रिंगटोन फरोख्त होने लगा। अब तो खबरें, मौसम का हाल, लतीफे, इश्तिहार, कर्ज, तरह तरह की सहूलियतें इसके जरिए हासिल होती है। देखिए बच्चों, अब ये बज़ाहिर छोटी सी शायद बड़े काम की चीज़ है, ताहम इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतना लाजिमी है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इस पर असाइनमेंट पर करके हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।